मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो हम लोग को पूर्वानुमान प्राप्त हुआ था वो आज और कल के लिए 2 दिवस के लिए ये येलो जोन में पूर्वी उत्तर प्रदेश को रखा गया है, जिसके अनुसार अभी आगामी 1-2 दिनों तक इस तरीके से तेज़ हवाएं और गरज के साथ छींटे और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस लिहाज से ये अभी मौसम अभी आज और कल इसी प्रकार बने रहने की संभावना है और इसी तरीके से वर्षा हम लोगों को छिटपुट वर्षा भी कुछ जगहों पर मिलेगी। सर, बिजली भी गिरने की संभावना? जी, इसमें वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है, जिसके लिए अभी आपदा कार्यालय द्वारा इस पर लगातार अपडेशन रखा जा रहा है और अभी दामिनी ऐप और सचेत ऐप के माध्यम से भी अभी थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, ताकि सभी जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं प्लस जो कंसर्न हमारे ग्रास रूट लेवल तक के जो हमारे वर्कर्स हैं उन तक ये सूचना पहुँच सके कि आगामी 2 से 3 घंटों में वर्षा होने की संभावना है, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, वज्रपात होने की संभावना है। तो इस प्रकार सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाने की कार्रवाई भी आपदा कार्यालय द्वारा की जा रही है और साथ ही जन समुदाय से रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, अलर्ट भी किया जा रहा है कि यदि इस तरह का मौसम में परिवर्तन हुआ है, वज्रपात होने की संभावना हो, तो अपने घरों से बाहर ना निकलें या अगर कहीं रास्ते में हो तो पक्के मकान में शरण लें, जिससे कि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। इस तरीके का भी एक अलर्ट ITFS के माध्यम से भी लोगों तक ये सूचना पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें।